बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। आज हम आपके सामने एफएससी पार्ट वन चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और इसका मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर प्रिंसिपल यूज होता है। प्रिंसिपल, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, उसके कुछ बेसिक रूल्स आपके सामने मैंने रखे थे। आइए दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एन अपोजिटिव इंटीजर इफ पी वन इज द ट्रू। पी वन मीन्स पी ऑफ पी की जगह एन की जगह आपने वन रखना है, तो पी ऑफ वन इज ट्रू एंड ट्रूथ फॉर पी ऑफ के इम्प्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस वन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स हमने के की जगह उस एन की जगह सबसे पहले हमने वन रखना है तो उससे ट्रू साबित करना है, फिर एन की जगह हमने के रखना है, फिर के की जगह के प्लस वन रखना है, फिर उसको प्रूव करना है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शनली प्रूव है। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन नंबर 6 आर सेम। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला भी बोलते हैं। हमने फार्मूले के तहत इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का। उसके फर्स्ट टू कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन विच कैन बी यूज्ड फॉर एन कैन बी रिप्लेस विद वन फॉर दिस पर्पज फॉर एन इज इक्वल टू वन। जहां हमें एन नजर आएगा वहां उसकी जगह पे हमने वन जो है वो रिप्लेस कर देना है। डेफिनेटली यहां पे देखें, उस फार्मूले के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होगी जहां आपको एन नजर आ जाएगा, जहां पे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां इस तरह लिखा हुआ हो 2×3 की पावर एन माइनस वन, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है 3×n-1। डेफिनेटली हम एन की जगह जब वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2×3×1-1। इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं 2×3×1, जब n माइनस वन करेंगे 3×n-1 यानी 1-1 0×3×0। 2 को जब 3×0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2×1 विच इज इक्वल टू 2। और डेफिनेटली जब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो 3×n है, n की जगह 1 रखेंगे तो 3×3-1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। जहां हमें n नजर आ रहा था वहां n की जगह हमने 1 को पुट किया, हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। सपोज दैट द स्टेटमेंट एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। अब यहां पर इक्वेशन जो दी हुई है, इस इक्वेशन में जहां हमें n नजर आ रहा है वहां n रिप्लेस कर देंगे k के साथ, तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे दस एन रिप्लेस विद बाय के, देयर फोर एस ऑफ के, जो एस ऑफ एन था वो एस ऑफ के में चला गया, 2+6+18+ 2×3×k-1=3×k-1। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। नाउ वी विल हैव टू प्रूव फॉर एन कैन बी रिप्लेस विद एन प्लस वन। अब हमने एन की जगह एन प्लस वन को रिप्लेस कर देना है इसी इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन जाएगी एस ऑफ के प्लस वन 2+1+2×3×k-1+2×3×k-1 इन के कैन बी रिप्लेस विद के प्लस वन इज इक्वल टू 3×k+1-1। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। क्यों इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, इधर लिखा हुआ भी है इक्वेशन नंबर 2। अब देखना ये है कि इसमें हमने प्रीवियस वैल्यू जो है ना वो के की लिखनी होती है, यानी 3×k, अगर के की जगह मैं 1 रखता हूं तो ये 3×1 बन जाएगा, और के की पावर में अगर के प्लस 1 रखता हूं तो डेफिनेटली ये बन जाएगा 3×k। ये उसकी प्रीवियस टर्म है जो हमने लिखी है, तो ये बन जाएगा 3×k+1-1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस अंदाज से बनेगी 2+6+18+2×3×k-1+2×3×k विच इज इक्वल टू 3×k+1 × -1। अब इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वी राइट द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ के। डेफिनेटली हमने उसकी प्रीवियस वैल्यू के भी लिखनी होती है, तो यहां तक अगर मैं इसको एक खास ब्रैकेट का नाम दूं तो आपके सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम रखा था, तो ये पूरा फैक्टर अगर आप गौर से देखें तो ये हमें नजर आ रहा है 2
प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस वन प्लस टू क्रॉस थ्री की पावर के माइनस वन। तो इसी इक्वेशन में ये बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रहा है, एक जैसा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूँ, इस पूरे की जो वैल्यू है ये हमारे पास बनती है थ्री की पावर के माइनस वन, ये है उस पूरे की वैल्यू। अच्छा, उसके साथ लिखा है प्लस टू क्रॉस थ्री की पावर के, टू क्रॉस थ्री की पावर के। अब हमने ये जो थ्री की पावर के वाला है इसे हमने इकट्ठा लिखना है, ये बन जाएगा थ्री की पावर के प्लस टू क्रॉस थ्री की पावर के, और ये माइनस वन जो है ये एंड पे हम लिख सकते हैं। अब हमने एक कॉमन लेना है, मुश्तरक लेना है, कॉमन लेना है इनमें से। थ्री की पावर के जब मैं कॉमन लूंगा इस इक्वेशन से तो ये बन जाएगा थ्री की पावर के, यहाँ से कॉमन आएगा, पीछे बचेगा वन प्लस टू, और इधर बन जाएगा माइनस वन, और वन प्लस टू करें तो ये बन जाता है थ्री। हमें पता है अगर एक्स लिखा हुआ हो एक्स की पावर वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर के लिखा हुआ हो तो डेफिनेटली हम इसको फार्मूले के तहत लिख सकते हैं एक्स की पावर के प्लस वन। तो यहाँ भी हम वही वन है और साथ थ्री की पावर के है, थ्री जो है वो अगर मैं इस एक्स को इक्वल रखूँ किसी खास नंबर के थ्री के, ये बन जाएगा थ्री की पावर के प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम गौर करें तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू से कंपैरिजन करें तो उसकी राइट हैंड साइड, ये देखें जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर टू की और जो हमने प्रूव किया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब कंडीशन टू जो है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन टू, दैट एस ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, इफ एस ऑफ के इज ट्रू सो सी टू इज सेटिस्फाइड ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप पहली दफा मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।